साल से ज्यादा भी हो गया किसी को अप्लाई किए हुए, पहले अप्लाई कर रखा है तो मुझे पहले सीजन तक नहीं आया है, बहुत टाइम लगा रहे हैं ये लोग। 3 नवंबर से इन्होंने कर दिया बच्चों के लिए टीआरसी मिल गया है और मैं बहुत खुश हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चांदनी इन रोप। और आज बहुत ही खास और स्पेशल डे हमारे लिए क्योंकि बहुत टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे थे कि टीआरसी हमें मिल जाए और डिसीजन भी आ गया था और अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रही थी, बट ठीक है, ट्राई करते करते अपॉइंटमेंट भी बुक हो गई है। सो आज की अपॉइंटमेंट है हमारी, और पीछे हमारे देख सकते हैं कि यही ऑफिस है जहाँ से हमें ब्लू कार्ड हमारा कलेक्ट करने वाले हैं हम लोग। और आज बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है, स्नोफॉल के बाद आज धूप भी निकल आई है, कितना अच्छा लग रहा है। तो काफ़ी ठंड भी है यहाँ पे। टीआरसी कलेक्ट करने के लिए ना यहाँ पे दो तरीके से अपॉइंटमेंट ले सकते थे, जैसे एक ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते थे और कुछ लोग तो यहाँ पे आके रात से ही लाइन लगाते थे और उसके बाद जो है कि कार्ड कलेक्ट करते थे कार्ड के लिए। लेकिन अब क्या किया है ना, 3 नवंबर से इन्होंने कर दिया है कि अब अपॉइंटमेंट जो है कि ऑनलाइन ही बुक होगी, उसके बाद ही कार्ड मिलेगा। तो हम लोगों ने बड़ी ही बड़े दिनों से ट्राई कर रहे थे अपॉइंटमेंट मिल जाए, बट इनका जो है ना हमेशा सर्वर ना डाउन रहता था, हो ही नहीं पाता था हमेशा। तो फाइनली हमने जो है अपॉइंटमेंट बुक करा ली और लकीली बता रही हूँ कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है तीनों का एक दिन में ही बुक हो गया, मतलब एक ही डेट में बुक हो गया, एक दिन ही बुक कर लिया हम लोगों ने। सो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है इस चीज़ की। और मैं बहुत 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 टाइम से टीआरसी का वेट कर रही थी कि हमारा टीआरसी मतलब मिल जाए। डिसीजन तो आ गया था हमारा बहुत टाइम पहले ही, लेकिन कलेक्शन के लिए मतलब प्रिंटिंग में था, फिर प्रिंटिंग आया, फिर उसके बाद अपॉइंटमेंट में इतना टाइम लग गया हमें। तो फाइनली आज हम जो है कि अपना कार्ड ले लेंगे ताकि हम और भी कहीं ट्रैवल कर पाएँ। हमारा जो वीज़ा था वो काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गया था। चलो फिर चलते हैं, अपना कार्ड वगैरह कलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद हम जो है कि मैं आपको दिखाऊँगी कि कैसा ब्लू कार्ड होता है। मेरा जो है कि 12:10 का अपॉइंटमेंट है और अभी जो है कि 11:45 हो चुके हैं। और चलो फिर चलते हैं, वहाँ पे जाके टोकन भी लेना है हमें, उसके बाद जो है कि हमें वेट करना है। चलो, और ये यहाँ का ऑफिस है, मतलब गवर्नमेंट ऑफिस है। तो अभी जो है कि थोड़ा सा मेरी अपॉइंटमेंट है वो पहले है और चीकू के पापा और चीकू की अपॉइंटमेंट जो है थोड़ा सा लेट है, मतलब गैप है 1-1.5 घंटे का। तो थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ क्योंकि अभी आ तो गए हम पहले ही। तो यहाँ का ये वेटिंग एरिया है और यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाता रहता टोकन नंबर, यहाँ पर कुछ ऐसे वेटिंग एरिया बना रखे हैं बैठने के लिए। ये यहाँ पे नंबर शो होता रहता है और यहाँ पे जो स्क्रीन लगी हुई है वहाँ पे टोकन लेते हैं। तो फाइनली मुझे अपना जो है कि टीआरसी मिल गया है और जो है कि अपॉइंटमेंट जो पहले मेरी थी, फिर इसके चीकू की है, फिर उसके बाद इसके पापा की, तो उसमें गैप है 1-1.5 घंटे का। 1.5 घंटे क्या, चीकू के लिए 2 घंटे का गैप है, इसके पापा में 3 घंटे का गैप है। तो पहला जो कार्ड है वो मेरा मिला है तो मैं बहुत खुश हूँ। तो पहले मैं ट्रैवल करूँगी। और इसमें जो है कि इसमें लिखा नहीं होता है ऐसा कुछ कि इसमें टीआरसी है ब्लू कार्ड, क्योंकि इसमें लिखा होता है कि मैं यहाँ पर जॉब भी कर सकती हूँ अगर मैं करना चाहती हूँ तो, ऐसा कुछ ये ब्लू कार्ड बनता है यहाँ पर। और जो है कि जैसे हमारे वहाँ पे आधार कार्ड आजकल ऐसे बन के आता है ना कार्ड टाइप का, तो ऐसे ही होता है ये कार्ड भी। ये यहाँ देखो पूरा स्नो 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 हो रखा है। तो अभी आज तो स्नो नहीं हो रहा है, मतलब आज मौसम थोड़ा ठीक ठाक है। और ये देखो यहाँ पे कितना स्नो है। अजय 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 ये जाओ जाओ खेलो, जाओ जाओ। यस, बहुत पसंद है चीकू को मेरे स्नो, है ना चीकू? ये देखो ये देखो। हम बनाएंगे स्नोमैन। स्नोमैन, रुक जाओ, ऐसे बनाने दो।
के लिए लकड़ी चाहिए, चलो अच्छा क्रिसमस बना लो। अच्छा एक और, एक यू यू रुको जाओ। ओह नहीं नहीं देखना सुनो क्या अरे स्नोमैन बनने देगा तब तो स्नोमैन बनेगा ना। और इसके पापा ही ले आएंगे चीकू का भी टीआरसी, अभी जो 2 घंटे वेट करना पड़ेगा। और चीकू जो है कि भी बहुत मतलब सोने को हो रहा है, और अभी स्नोफॉल और यहाँ पे बहुत ठंड है ना, तो मैं सोच रही हूँ कि इसको लेके चली जाती हूँ वहाँ पे। चीकू की ज़रूरत नहीं है, मतलब बच्चों के लिए पेरेंट्स ही कलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी मैं चीकू को लेके घर के लिए निकलूँगी, और चीकू के पापा जो है कि कार्ड लेकर आएंगे चीकू का। चलो कैब आ गई फटाफट, चलो हाँ चलो चलो हाँ। तो हमारी कैब आ गई है, और इतने ठंडे हो गए ना बर्फ़ में हाथ के, मतलब बर्फ़ की वजह से हाथ वो ऐसे ही यहाँ पे जो है टेम्परेचर जो है माइनस में चल रहा है। तो ये हमारी कैब आ गई है, फटाफट बैठ जाते हैं। देखो तो उसमें चिकन हाँ कर दो अभी। कैब से उतर गए हैं, और चीकू यहाँ पे एरोप्लेन। हाँ बेटा क्या रहे? एरोप्लेन। चीकू कह रहा है एरोप्लेन आ रहा है मम्मा ऊपर। चला गया बेटा एरोप्लेन चला गया। तो चीकू जो है नीचे उतर के यहाँ पे खेलने लगा है, वो जा नहीं रहा। चलो चले चलो घर चले घर। तो अभी हम लोग घर आ गए हैं, और चीकू नींद आ रही थी तो मैंने उसे सुला दिया है। अब हम थोड़ा सा टीआरसी के बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे टीआरसी जो है कि लोगों ने बहुत टाइम से अप्लाई कर रखा है, बहुत लॉन्ग टाइम से अप्लाई कर रहा है। किसी ने 10 महीने से अप्लाई कर रखा है, किसी ने एक साल से अप्लाई कर रखा है, किसी ने साल से ज़्यादा भी हो गया किसी को अप्लाई किए हुए, और अभी तक जो है कि उन लोगों का डिसीजन तक नहीं आया है। पता नहीं क्या प्रोसेस है यहाँ पे भी चल रहा है टीआरसी को लेकर, कि बहुत टाइम लगा रहे हैं लोग टीआरसी देने में। और अगर मैं ऐसे बोलूं कि टीआरसी मैंने पहले अप्लाई कर रखा है तो मुझे पहले मेरा पहले डिसीजन आएगा और कार्ड मुझे पहले मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सब लकली ही काम हो रहा है कि किसी को मतलब जिसका लक अच्छा है उसको पहले मिल जा रहा है। वैसे तो सभी लकी हैं, तो किसी को पहले मिल रहा है, किसी को बाद में मिल रहा है। सारा ये प्रोसेस है वो सारा चीकू पापा कंपनी ने करवाया था। यहाँ पे ना एक प्रोसेस फॉलो हुआ था हमारे कार्ड में, तो मैं आपको बताती हूँ। जैसे पहले क्या होता है, डिसीजन आता है, फिर उसके बाद क्या होता है कि आपका कार्ड प्रिंटिंग में जाता है, फिर उसके बाद आपको मैसेज या मेल आता है कि भी आप कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। तो हमारा जो डिसीजन था वो पहले ही आ गया था, कुछ 4.5 महीने में ही हमारा डिसीजन आ गया था। डिसीजन तो हमारे लोग का पहले आ गया था कि भी आपका कार्ड प्रिंटिंग में है, तो हम लोग बड़े खुश हो गए और हमारा कार्ड प्रिंटिंग में है तो इसको मतलब हमें जल्दी मिल जाएगा, हमारे को टीआरसी जल्दी मिल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, वो प्रिंटिंग जो है कि काफ़ी लॉन्ग टाइम तक चला, मतलब 3 महीने लग गए प्रिंटिंग में। और फिर जब प्रिंटिंग मतलब कंप्लीट हो गया, फिर हमें मेल आया कि भी आपका कार्ड जो है कि कलेक्ट कर लीजिए। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है। फिर जब हमें अपॉइंटमेंट लेनी थी इसके लिए, तो फिर वहाँ पे क्या था कि 3 नवंबर से इन्होंने चेंज कर दिया सब कुछ। तो जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी कि अब क्या है कि आप वहाँ जाके नहीं ले सकते हो, आप ऑनलाइन ही आपको जो है कि बुक करना है अपॉइंटमेंट, उसके बाद आप वहाँ से कार्ड कलेक्ट कर सकते हो। अपॉइंटमेंट लेने में बड़ी ही दिक्कत हुई, हम इसके पापा और मैं लगे रहते थे मतलब अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए। तो यहाँ पे क्या होता है ना, इनका जो विंडो है ना ओपन होता है कुछ 7:00 ओपन होता है, और लोग क्या है कि 7:45 से 6:30 बजे से लगे रहते हैं, धड़ाधड़ लगे रहते हैं बुक करने के लिए अपॉइंटमेंट। तो वहाँ पे उनका सर्वर जो है कि डाउन हो जाता है, फिर अपॉइंटमेंट जो है कि बुक नहीं हो पा रही थी। तो हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो ट्राई करते करते मतलब फाइनली हम लोगों को अपॉइंटमेंट भी मिल गई, और लकीली हम लोगों को अपॉइंटमेंट जो है कि एक ही दिन में 3 को मिल गई। तो हम लोग बहुत ही खुश हुए कि चलो ठीक है, तो आज हम लोगों ने जो है कि कार्ड भी कलेक्ट कर लिया है। तो आई एम सो हैप्पी कि अब हम लोग जो है कि बाहर भी ट्रैवल कर पाएंगे, पोलैंड से बाहर भी हम ट्रैवल कर पाएंगे। कार्ड कलेक्ट करने के लिए अपने साथ जो लेके जाना है वो आपको डिसीजन की कॉपी लेके जाना है, और साथ में अपना पासपोर्ट लेके जाना है। हम तो पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी लेके गए थे, बट उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी, तो उसकी ज़रूरत नहीं है। और अपने साथ जो आपने पेमेंट करी होगी 100 जलौटी, वो उसकी रिसीट लेके जानी है। तो वहाँ पर अपने जाके डॉक्यूमेंट वगैरह आप दिखाते हैं, तो वहाँ से कुछ खास आपसे पूछते नहीं हैं, ठीक है। वहाँ पे आपका सारे डॉक्यूमेंट वगैरह देख लेते हैं, पासपोर्ट वगैरह देखेंगे, फिर उसके बाद आपको अपना आपका टीआरसी दिखा देंगे, कार्ड दिखाएंगे, फिर इसकी सारी इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए कि ठीक है कि नहीं है। आपने अच्छे से अपना कार्ड जो है कि चेक करना है, सारी स्पेलिंग वगैरह सब कुछ अच्छे से चेक कर लेना है। जब आप उससे बताएंगे कि भैया हमारा सारा इन्फॉर्मेशन ठीक है, फिर आपका थंब इम्प्रेशन वगैरह लेते हैं और साइन करवाते हैं कि भाई आपको कार्ड दे रहे हैं,
उसके लिए साइन करवा देंगे और आपको आपका कार्ड दे देंगे। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं ऐसे न्यू और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।